आपका नाम क्या है? नोलन स्कूल जाते हो? ना, क्यों? लॉकडाउन है ना। अभी तो लॉकडाउन खुल गया है। कितने साल के हो आप? 8 साल के? हाँ 8 साल के? हाँ आप नहीं, छोटे हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिस्किट। एंड आज हम जा रहे हैं डिस्किट से हुंडर सैंडी उसकी ओर, और वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर जाएंगे डायरेक्ट पैंगोंग लेक के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, दिस इज नॉट राजस्थान, दिस इज नूबरा वैली। एंड आप देख सकते हो यहाँ का कोल्ड डेजर्ट। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सैंड ड्यूज हुंडर में, एंड देखते हैं कि यहाँ पर क्या एक्टिविटीज होती हैं और क्या कर सकते हैं हम। बाकी यहाँ का व्यू काफ़ी ऑसम है। इफ़ यू आर कमिंग टू नूबरा वैली तो आप ये तो पक्का ही है कि अब यहाँ पर आओगे। तो स्टे कनेक्टेड गाइस। सो गाइस, वी आर नाउ एट सैंड ड्यूज हुंडर नूबरा वैली, एंड थोड़ी देर यहाँ पर रुक कर फिर जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट पैंगोंग लेक के लिए। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइड्स, इट्स 11:10 इन द मॉर्निंग, एंड हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है, काफ़ी इंजॉय करा, काफ़ी पीसफुल प्लेस है। डॉक्टर साहब ने, साहिल जी ने तो कैमल राइड करी, लेकिन मैं एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहता तो इसलिए मैं नहीं गया। एंड बाकी अच्छा है सारा कुछ, और अभी यहाँ से जाएंगे ब्रंच करने। दूध ऐसे थोड़ी निकलता है, एंड एनिमल को हार्म करके ही तो निकालते थे। नहीं, पाउडर वाला था ना? नहीं, मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी। हाँ जी। तो जो चाय पी रहे इतने दिनों से, जो चाय का पी रहा हूँ मैं, तेरे को मैं तो पीता ही नहीं चाय, सिर्फ ये दबा के कुछ करें। मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। तो यहाँ से हम अभी जा रहे हैं पैंगोंग की ओर। A few moments later. हाँ, तो आज डिस्किट से जा रहे हैं। स्टे बहुत अच्छा रहा, लंच बहुत अच्छा किया, ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा किया, लेकिन कल का डिनर बड़ा बेकार था। डिनर के लिए ऑप्शंस ढूंढ लेना जी। यहाँ पे वैसे सेल्फ कुक का ऑप्शन है, स्टे अच्छा था, रीजनेबल था, हमने 3-4 जगह देखा था। एंड अभी हम जा रहे हैं यहाँ से डिस्किट से डायरेक्ट पैंगोंग जा रहे हैं। 1 बज गया, 1:07, और उम्मीद है कि 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे। 5 तो नहीं, बजेंगे 7। ओ, रोशनी में पहुंचेंगे अगर हम सब चलते रहे तो। ऑलराइट, चलो मिलते हैं आपको रोड पे। सो गाइस, इट्स 1 PM एंड अभी हम निकले हैं होटल से डायरेक्ट पैंगोंग लेक के लिए, और एक अक्षय शर्मा जी हैं जो अमेरिका से आए हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी हिमालयन पे। सो हमारा यहाँ पे स्टे काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप भी डिस्किट रुक रहे हो तो दिस इज़ आर गेस्ट हाउस, हिमालयन रीगल गेस्ट हाउस डिस्किट नूबरा। तो चलो गाइज, स्टे कनेक्टेड। एंड खलसर इज 21 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और खलसर से हम लेंगे टर्न पैंगोंग लेक के लिए। अगर डायरेक्ट जाते हैं तो हम पहुंचेंगे ले सिटी में, लेकिन हमको ले सिटी जाना है टमोरो फ्रॉम पैंगोंग। सो अभी हमें काफ़ी लोगों ने बताया कि आप काफ़ी लेट चले हो यहाँ से, तो आपको हो सकता है कि काफ़ी वाटर क्रॉसिंग्स मिले। इवन रोड पे ही पानी आ जाता है शियोक रिवर का, क्योंकि जब जब गर्मी होती जाती है, दिन 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 बढ़ता रहता है, तो जितनी भी आइस होती है, स्नो होती है, वो मेल्ट होकर रोड पर आ जाती है। तो उसी उसकी वजह से तो जो जो पानी है वो रोड पर आ जाता है। सो यहाँ पर हम करेंगे पी 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 पी, डोंट स्लीप। ओके, गाइस कैन यू सी दैट रोड? वो जो बिल्कुल एक सीधी सी लाइन दिख रही है आपको, बस वहीं पर जाना हमें हमें अभी। और दोनों साइड है रेत, डेजर्ट डेजर्ट डेजर्ट। तो गाइस, दिस इज द रोड जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था कि दोनों साइड रेत है, डेजर्ट है। Oh, what a straight road, man! This is the turn जो हमने लेनी है। अभी लेफ्ट साइड को जाएंगे तो पैंगोंग है इधर पीछे को, एंड अगर उधर जाएंगे तो वही खारदुंगला की ओर से ले सिटी। सो पैंगोंग इज लेफ्ट एंड खारदुंगला इज राइट। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हुंडर से आ रहे हो तो यहाँ से खलसर
से अराउंड आपको लेफ्ट लेना है, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो यहाँ से पैंगोंग इज 130, अभी देखते हैं कितना पड़ता है। वैसे केयरफुल इन दीज रोड्स, एज आप देख सकते हो कि कितनी सैंड जो पहाड़ से नीचे आ चुकी है, सो ये काफ़ी स्लिपरी हो जाता है इवन गाड़ियों के लिए भी। एंड ये थोड़ा शूटिंग स्टोन एरिया है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ से पैंगोंग 130 है, टाइम अराउंड 145। आई गेस आज काफ़ी सारी बॉर्डर क्रॉसिंग आने वाली हैं, क्योंकि शियोक रिवर का जो पानी है वो रोड तक आ जाएगा, माइट बी की काफ़ी सारी बॉर्डर क्रॉसिंग्स आएंगी। सो गाइस सी द रोड कंडीशन टू पैंगोंग फ्रॉम डिस्किट एट 2 PM। सो गाइस रोड की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, आई गेस रोड है ही नहीं है, सारे पत्थर ही हैं। अभी डॉक्टर साहब साहिल भाई के पीछे बैठ चुके हैं, एंड जो हमारा तीनों का सामान है वो मेरे पीछे है, और अक्षय भाई पीछे आ रहे अपनी हिमालयन पे। मैं सेंटर में रहूँगा, साहिल एंड राहुल आगे आगे और अक्षय जी पीछे पीछे। चुके हैं अगम, और अगम से पैंगोंग के लिए लेफ्ट विच इज पता नहीं 65 आई गेस, यस। तो 65 किलोमीटर्स मतलब काफ़ी छोटे छोटे गांव हैं, तो आप कहीं से भी पैंगोंग लेक का जो व्यू के नज़ारे ले सकते हो, बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ड्राइवर पूरा अपना गुस्सा दिखा रहा है, एंड जितना भी पानी है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी काफ़ी सारी है, क्योंकि इसका मतलब पानी इतना क्लियर नहीं है। एंड आई गेस ये शियोक रिवर है, और जो शियोक विलेज है वो अराउंड 35 किलोमीटर आ गया यहाँ से, एंड टाइम इज 2:30 PM। एंड दिस इज शूटिंग स्टोन एरिया का, सो बी केयरफुल वाइल राइडिंग और ड्राइविंग हियर। कोई 150 मीटर यहाँ से ऑफ रोड मिलेगा, यहाँ तक आपको गाड़ी दिख रही ना वहाँ तक। सो गाड़ी वाला पता नहीं क्यों आगे ले आया है, कहाँ से निकलेंगे। सो दिस इज टोटली ऑफ रोड वहाँ तक। ओके गाइस, गाइस देखिएगा कितनी ऑफ रोड आ चुकी है, ये पैच बिल्कुल ही खराब लग रहा है। एंड शियोक यहाँ से भी है 17 किलोमीटर्स। गाइस सी द वाटर क्रॉसिंग, सो गाइस का पानी बहुत ज़्यादा है इसमें, तो देखते हैं किधर से गुजर पाते हैं। आई गेस मैं वेट करूँगा साहिल भाई की, पहले वो भी चलेंगे तो फिर मैं निकलूँगा यहाँ से। ओह सो गाइस निकल तो गए हम, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था लेकिन निकल गए। ओके गाइस, आई सी द ब्यूटीफुल वैली, एंड शियोक इज 9 किलोमीटर्स।
and time is 4 p.m. Okay, and district से यहाँ तक जो road condition है वो आप कह सकते हो कि 90% excellent है, 5% bad है and 5% worst है. Guys, this is Shiok village and यहाँ पे कोई restaurant भी है, you can have halt here और जहाँ फिर आप यहाँ से आगे भी जा सकते हो. तो प्लेन तो उठने का नहीं, पता नहीं क्यों ब्रेक लगा रहे हैं. टाइम इज 4:30 इन द इवनिंग आई गेस. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. गाइस, शियोक विलेज के थोड़ी सी आगे रोड कंडीशन ठीक है बट काफ़ी डेंजरस लग रही है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप डिस्किट से पैंगोंग जा रहे हो तो मैक्सिमम 1 बजे तक निकल जाओ, उससे ज़्यादा लेट मत होना क्योंकि आपको पता है कि व्यू कितना ख़राब है, आप देख पा रहे हो सारा रोड वीडियो के थ्रू. सो ना ही ज़्यादा ब्रेक प्रेस करें, सिर्फ गियर की मदद से क्लच छोड़ के धीरे धीरे इसको जाने दें. प्रो टिप है, आपकी ब्रेक सेव करने में मदद करता है. गाइस, इतना अच्छा ब्रिज इस रोड पर, अनएक्सपेक्टेड. रोड भी अच्छी आ गई आई गेस यहाँ से, शायद थोड़ी देर अच्छी रोड मिल जाए हमें. दुर्भुग तक, दुर्भुग यहाँ से 7 किलोमीटर एंड टाइम इज 5:30. क्रॉस कर लिया है. दुर्भुग में आपके नेटवर्क्स आएंगे थोड़े से एयरटेल जियो वगैरह के. डिस्किट से दुर्भुग तक आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा और दुर्भुग से आगे जो है रोड काफ़ी बढ़िया आ चुकी है, इवन दुर्भुग से थोड़ी देर पहले ही. एंड अभी टाइम हो चुका है अराउंड 5:40 आई गेस, और रोड अभी तक तो काफ़ी स्मूथ है. और लुकुंग यहाँ से है 28 किलोमीटर. गाइस, रोड बहुत ही ज़्यादा ऑसम है दुर्भुग से अभी तक की, एंड आगे भी लग रहा है कि ऐसी ही होगी. एंड आई गेस अभी पैंगोंग, ओह हेलो, पैंगोंग पहुंचने वाले हैं. ओके, सो गाइस, काफ़ी अच्छा रास्ता सा था दुर्भुग से यहाँ तक. अभी लुकुंग थोड़ा सा रह गया 5-6 किलोमीटर, तो थोड़े गंदा पैच आया, अभी स्लिपरी है बट इतना रिस्की नहीं लग रहा, राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग्स हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ पड़ा है. गाइस, अगेन एक वाटर क्रॉसिंग, एक क्या तीन दिन है ये तो. यहाँ से ऐसे ओए, ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है लेकिन निकल जाएंगे आराम से. गाइस, आई गेस वहाँ पे एक वाइट सी कार या गाड़ी कोई बड़ी सी दिख रही है, एंड मे बी वहाँ से या वहाँ तक थोड़ी देर बाद हमें दिख जाएगी पैंगोंग लेक. इस पहाड़ी के पीछे लग रही है, इसके और इसके बीच में जैसे रूट जा रही है वह एज इट इज़ ही.
फाइनली गाइस वो रही पैंगोंग लेक। यहाँ से फर्स्ट व्यू वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक विच इज 4 किलोमीटर्स अहेड। वाओ एंड टाइम इज 6:35। ओके गाइस फाइनली हम पैंगोंग लेक के अब तक सबसे क्लोज हैं। वेलकम टू मॉडल विलेज फोब्रंग आई गेस। किस तरफ जाना है? इस तरफ सर। What is this? Literally, this is awesome. Literally. ओए होए होए क्या बात है यार, ये लेक सच्ची बहुत सोहनी लग रही है जी। मेरे को हुण पंजाबी ही बोली जानी है कि मतलब घैंट है काम जी। अगर आप इंडिया में रह रहे हो यहाँ नहीं आए तो साला क्या कर रहे हो लिटरली। अगर एक एक बार ही आ जाओ एटलीस्ट। ओए होए होए क्या बात है, ट्रूली ऑसम मैन, ट्रूली 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 हाँ ऑसम awesome.